नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ। रंधावा बोले, मेरे पास गहलोत पायलट के अलावा और भी नेता है। सचिन की यात्रा का मामला पुराना हो गया है, अल्टीमेट पर सीएम जवाब देंगे। सचिन पायलट मामले में एक्शन को लेकर फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपना ली है। पायलट मामले में पहले मुखर रहे प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र सिंह रंधावा अब सीधे बयान देने से बच रहे हैं। पायलट पर एक्शन के सवाल पर रंधावा ने कहा कि मेरे लिए यही दोनों लीडर ही नहीं है, मेरे पास राजस्थान में दोनों के अलावा और भी बहुत लीडर हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूं, हर लीडर से बात कर रहा हूं। रंधावा दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट की यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर रंधावा ने कहा कि सचिन पायलट की यात्रा का मामला पुराना हो गया है, कोई नई बात करो। पायलट मामले में बैठक के सवाल पर रंधावा ने कहा कि चार चुनावी राज्यों की बैठक बुलाई गई है, राजस्थान में लेकर अलग से कोई मीटिंग नहीं है। चुनावी तैयारियों को पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है, जो जितने लीडर हैं सभी लीडर आएंगे, वहां कोई पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर बात नहीं होगी। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ तैयारियों पर बैठक होगी। सचिन पायलट के अल्टीमेट के सवाल पर रंधावा ने कहा कि अल्टीमेट का जवाब सीएम ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार को अल्टीमेट दिया है। यह मामला मेरे पास आएगा तो मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस की बैठक में पायलट को बुलाने पर कहा कि वे कांग्रेस के लीडर हैं, हमने सब कांग्रेस नेताओं को बुलाया है और सब आएंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने के मुद्दे पर विपक्षी एकता के आम आदमी पार्टी के आह्वान पर रंधावा ने कहा कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। जैसे हमने यूपी में बीएसपी के साथ गठबंधन किया, वैसा गठबंधन पंजाब में नहीं चाहिए। पंजाब में हम सक्षम हैं, पंजाब में जो वर्कर हैं जिनके ऊपर आज भी बेतिना मुकदमे डाले जा रहे हैं और भी बातें हो रही हैं। यह सही है कि केंद्र में के पास ही सारी ताकत नहीं होनी चाहिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण होना चाहिए, राज्यों के पास भी पावर होनी चाहिए। पंजाब के कांग्रेस को अलग ही रहना चाहिए, जलंधर में जो चुनाव लड़ा है उसी स्टैंड पर बरकरार रहना चाहिए। सचिन पायलट के अनशन और यात्रा को लेकर रंधावा के तेवरों में काफ़ी बदलाव आया है। पायलट के बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में 11 अप्रैल को अनशन किया था। रंधावा ने 10 अप्रैल को रात को ही लिखित बयान जारी कर उसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया था, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखने की सलाह दी थी। इस पर विवाद होने पर के बाद रंधावा के सुर बदले। बाद में जब पायलट ने 11 मई को यात्रा शुरू की और 15 मई को सरकार को अल्टीमेट दिया, उस समय रंधावा के तेवर बदले हुए थे। रंधावा के बदले हुए तेवरों के पीछे पार्टी की रणनीति को माना जा रहा है। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।